शोबिस की दुनिया में खूबसूरत चेहरों का नजर आना कोई बड़ी बात नहीं, और यही चेहरे जब किसी फिल्म या सीरियल का हिस्सा बन जाए तो इसे भी चार चांद लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही हाल तुर्क शोबिस इंडस्ट्री का है, जहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरा हर दिल वाले को अपनी तरफ खींचता चला जाता है। इन्हीं चेहरों में एक नाम ओज़्गे गुरेल का है, जो इन दिनों काफी ज्यादा डिस्कस की जा रही है। ओज़्गे का फिल्मी दुनिया का सफर कैसा रहा, वो कब और कैसे फिल्म का हिस्सा बनी, बॉक्स ऑफिस पर ओज़्गे की फिल्म कितनी कामयाब साबित हुई, कुछ ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। 2014 में एक टर्किश मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम बेजिम होगा है। इस मूवी की खास बात कि इसमें टर्किश मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ओज़्गे गुरेल रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है। ओज़्गे की ये मूवी दरअसल एक कॉमेडी फिल्म है। यूं तो ये फिल्म कुछ खास रेटिंग्स हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन ओज़्गे इस मूवी के जरिए फेम हासिल करने में काफी हद तक कामयाब हुई है। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने सिर्फ एक हफ्ते में 374,457 लीरा का बिजनेस किया। अब बात करते हैं ओज़्गे की नेक्स्ट मूवी की, और ये मूवी है ऑर्गेनिक लव स्टोरीज की। जैसा कि इस मूवी के नाम से ही आपको अंदाजा हो गया है कि ये एक रोमानवी कहानी है। 2017 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में ओज़्गे ने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया जो मोहब्बत की तलाश में कई चैलेंजेस का सामना करती है। एक लो बजट मूवी होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कामयाब रही। तीसरे नंबर पर बात करते हैं फर्स्ट किस की। रोमांस और कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म ओज़्गे की सबसे सुपरहिट मूवीज में से एक है। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई, जिसमें ओज़्गे गुरेल के साथ मुराद इन एक्शन दिखाई देते हैं। ये मूवी 5.0 रेटिंग के साथ काफी ज्यादा पसंद की गई। ओज़्गे की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $3,50,000 का बिजनेस किया। अब बात करते हैं रेड स्नो की। 2020 में रिलीज होने वाली रेड स्नो मूवी ओज़्गे की अब तक सबसे ज्यादा कामयाब मूवी है। इस मूवी की कहानी यूसुफ नामी एक ऐसे कैरेक्टर के गिर्द घूमती है जो 9 साल तक एक ऐसे जुर्म में जेल काटता है जो उसने किया ही नहीं होता। ओज़्गे ने इस फिल्म में एक ऐसी वाइफ का रोल प्ले किया है जो शोहर की गैर मौजूदगी में बच्चों की परवरिश के दौरान तकलीफ बर्दाश्त करती है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने की वजह से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कामयाब हुई। आखिर में बात करते हैं माई मॉम की। इस मूवी की कहानी एक ऐसी माँ पर बनाई गई है जो अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। ओज़्गे का रोल एक ऐसी बेटी का रोल है जो अपनी माँ से दूर रहने पर मजबूर होती है। 2019 में रिलीज होने वाली ओज़्गे की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर $469,801 का बिजनेस करने में कामयाब हुई।